माशाल्लाह हसन दादा मुझे अल्लाह पढ़ के दम कर दे। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। पापा जान अल्लाह पढ़ के दम करना फायदा है? अल्हम्दुलिल्लाह वो फायदा नहीं होता, अल्लाह पाक के नाम में बड़ी बरकत है, अल्फाज में तो बड़ी बरकत होती है। अब जैसे जैसे कोई कहे के आप शेर हैं शेर, तो वो कैसा खुशी होगी, मतलब आप गधे गधे तो उसको बुरा लगेगा। तो जब इन अल्फाज में वो है असर, तो अल्लाह के नाम पर कितना असर होगा। तो जिस मुंह से अल्लाह नाम बोलेंगे तो उस मुंह से जो हवा निकलेगी वो बरकत वाली होगी, अल्लाह बीमारी भी दूर कर देगा इससे चाहेगा तो। कुरान पढ़कर दम किया तो उससे भी तो फायदा होता है ना, कि अब वो जो हवा है वो कुरान पढ़ने के बाद जो निकली तो वो मतलब बरकत वाली हो जाती है। जैसे कि फूलों से हवा टकराएगी तो खुशबू वाली हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह कुरान को छूकर जो हवा निकलती है वो भी शिफा वाली होती है। अल्लाह के नेक बंदों से छूकर जो हवा निकलेगी वो भी बरकत वाली होगी, और काबा शरीफ को जो छूकर निकलेगी वो भी बरकत वाली होगी, और सब्ज गुंबद को छूकर चूमकर जो हवा निकलेगी वो भी बरकत वाली होगी। बात क्या है बातें सबा इतनी क्यों मुअत्तल है बता तो, इतनी क्यों मुअत्तल है सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी, चूम कर चली होगी सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।